जी आनू, मेरे चैनल पे मैं फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लाइव एक्सपेरिमेंट फॉर अ मेकअप रिमूविंग प्रोडक्ट विच इज बाय बायोडर्मा, एंड द प्रोडक्ट इज बायोडर्मा सेंसी बायो H2O माइसेलर सॉल्यूशन। दिस इज बेसिकली अ मेकअप रिमूविंग लिक्विड और माइसेलर सॉल्यूशन। मेरे हाथ में जो वेरिएंट है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है सेंसिटिव स्किन के लिए, इफ यू आर हैविंग एक्ने, और वैसे भी अगर आपको ड्राई स्किन होने के कारण ड्राई पैचेस हो रहे हैं, आपकी इरिटेट होने वाली स्किन है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, या वैसे भी आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रांड आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यस, आज मैं इसे ट्राई भी करने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता दूँ। इसका MRP है ₹395 फॉर द क्वांटिटी 100 ml, और जो मेरे हाथ पे है वो 100 ml का ही है। इसके अलावा ये आपको दो और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि 250 ml और 500 ml, लेकिन ये आपको हर वेबसाइट पर मिल जाएगा, हर शॉपिंग वेबसाइट पर, लाइक नायका, पर्पल, Amazon, Flipkart, इवन आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर भी परचेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट को खुलने के बाद आपको इसे 12 महीने में खोलकर इस्तेमाल करके खत्म कर देना है, अदरवाइज खुलने के बाद ये सिर्फ 12 महीने तक सर्वाइव करेगा, उसके बाद ये पूरा एक्सपायर हो जाएगा। बाकी इस पर कोई पर्टिकुलर एक्सपायरी तो नहीं मेंशन है, बस यहाँ पर 12 मंथ्स की डिटेल मेंशन की हुई है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये काफी वक्त से मेरी विश लिस्ट में था, एंड फाइनली अब ये मेरे हाथों में भी है। सो पहले तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि ये मेरे हाथ में जो माइसेलर वाटर है, ये मेरे हिसाब से जितने भी मैंने आज तक माइसेलर वाटर यूज किए हैं उनमें इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका सबसे कम इंग्रेडिएंट्स है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं उनमें से कोई भी लाइक कार्सिनोजन भी नहीं है, कोई टॉक्सिक भी नहीं है। इवन ये इसमें ग्लिसराइड्स हैं एंड कुछ शुगर्स हैं जो और प्लांट्स डेरिवेटिव हैं, यानी प्लांट से डिराइव किए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं थोड़े से, और एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो अगर जिन लोगों को आईज के अराउंड मेकअप रिमूव करना है तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है काफ़ी सूटेबल है, बिकॉज इसमें क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो प्लांट डेरिवेटिव है या फिर वो ऑर्गेनिक है, एंड नो टॉक्सिन्स, नो कार्सिनोजेन, तो दैट्स वाई ये काफ़ी अलग है जो मार्केट में अवेलेबल दूसरे माइसेलर वाटर है, या जो मैंने पहले भी कुछ माइसेलर वाटर जो रिव्यू किए हैं उनसे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट, एंड इसीलिए आज मैं मेकअप कर बैठी हुई हूँ। सो यस, जल्दी से इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका काम कैसा है। तो अभी मैंने इसे खोला भी नहीं था, तो मैं आप लोगों के सामने ही इसे खोलने वाली हूँ। एज प्रोडक्ट पे मेंशन किया हुआ है ये फ्रेग्रेंस फ्री है, तो सबसे पहले तो मैं इसका फ्रेग्रेंस देखूंगी। यस, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, बाकी तो लाइक कॉटन स्वाब पर ही डाल के पता लगेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसे कॉटन स्वाब पर डाल लेते हैं। इसमें हल्का सा फ्रेग्रेंस है, एकदम हल्का सा, ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है। मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ कॉम्पोजिशन, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी वजह से। तो यस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईज पर ही लगाएंगे, और मैं अपनी राइट आई पर लगा लेती हूँ फटाफट से। तो अभी इसको मैं 2 सेकंड रहने देती हूँ, एंड अब मैं इसको स्वाइप कर लूंगी। वाओ, एंड ये रहा रिजल्ट। इतना सारा मैंने आई शेडो और मस्कारा और लाइनर जितना कुछ भी था वो सब मैंने लगा लिया है, और मिरर में भी मैं देख लेती हूँ, और ये मेरी आई हो गई है कम्प्लीटली साफ, और ज़रा सा भी इसका ट्रेस मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, ज़रा सा भी नहीं आ रहा है। और मैं अपनी आईब्राउ भी पहले साफ कर लेती हूँ इसी स्वॉप से, एंड ये रहा हमारा फर्स्ट स्वॉप जो कि मैंने आई के लिए यूज़ किया है। अब हम लिप्स के लिए ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं बाकी का सारा मेकअप उतार लूंगी। एंड यस, अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स का ब्रेकडाउन या नो योर प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं इसे ज़रूर अपलोड करूंगी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं खुद भी इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ और आप लोगों को उसको डिटेल में बताना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई।
Oh my goodness. That's great. Seriously great. और ये लिपशेड चिपक जाता है, मुंह पर से निकलता नहीं है. सो मेरे लिए इस लिप शेड का निकलना सीरियसली सरप्राइजिंग है एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड. एंड यहाँ मैंने काफ़ी देर लगा कर रखा था स्वाब अपनी आँख पर एंड मुझे यही देखना था कि ये मेरी आई को इरिटेशन करता है या नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने आई सर्जरी लिए थे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे किसी तरह का कोई इरिटेशन नहीं हो रहा है एंड किसी तरह की कोई आँखों से पानी भी नहीं आ रहा है. तो आई मस्ट से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. एंड काजल भी मेरा काफ़ी अच्छे से इसने अभी क्लीन कर दिया है. आई थिंक मुझे एक बार और स्वाइप करना पड़ेगा और काजल भी मेरा निकल जाएगा. सो ओवरऑल फोर स्वाब्स में मेरा पूरा मेकअप जो है वो उतर चुका है और मुझे मेरे फेस पर किसी तरह का कोई इरिटेशन या जलन जैसा नहीं हो रहा है. एंड मुझे मेरी आईज के अराउंड ज़्यादा फिक्र रहती है जब माइसेलफ वाटर में यूज़ करती हूँ. तो यस, मुझे मेरी आईज के अराउंड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा मस्कारा भी क्लियरली उतर गया है, किसी तरह का मुझे अपनी आई लैशेज पर लग नहीं रहा है मस्कारा. और आईब्राउज पर से भी ब्राउ पाउडर वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो चुका है. सो यस, ओवरऑल अगर मैं इसके काम से कहूँ तो एम आई इम्प्रेस्ड. आई एम सुपर 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 इम्प्रेस्ड. एंड क्लीन करने से ज़्यादा मुझे फिक्र था आईज का इरिटेशन होने का, तो मुझे किसी तरह का कोई इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप मुझसे पूछते हैं मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगी, यस मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी. और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहे हैं सभी वेबसाइट्स पर, तो अगर आपको ये डिस्काउंट में मिलता है तो डेफिनेटली आप ज़रूर परचेज कर लें. एंड यस, दिस वॉज माई वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, डेफिनेटली ही रहा होगा, मैंने तो आपको लाइव रिजल्ट्स दिखाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. एंड प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाएं ज़रूर परचेज करें. एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को हिट कर दें, वरना यूट्यूब आपको नोटिफाई नहीं करेगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी. एंड आई विल गेट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.